नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि वीडियो को जितना शेयर कर सकें उतना करें, क्योंकि मुझे मेरे चैनल को बढ़ावा मिलेगा और मुझे हौसला मिलेगा कि और आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। तो आज जो मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है उस पर बात करूंगा, यह हिंदुओं की हित की रक्षा के लिए। तो जो आज की बात है वो टी राजा सिंह जो MLA हैं तेलंगाना से BJP के, उन पर बात हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से तेलंगाना में माहौल बहुत गर्म है। ये इस वजह से है कि जो टी राजा सिंह है उन्होंने नुपुर शर्मा की तरह ही एक विवादित बयान जो है वो दिया है। तो नुपुर शर्मा का अगर केस आपको याद हो तो ये उसी तरह का एक रिपीटेशन देखने को मिल रहा है और हैदराबाद में माहौल काफ़ी गर्म है। जो शांति प्रिय है, जो अपने आप को एक समुदाय कहता है, उनके तरफ से फिर से वही सरतन से जुदा वाली डिमांड की जा रही है और टी राजा सिंह के घर को घेरा जा रहा है। साथ में वहाँ की जो पुलिस भी है वो भी टी राजा सिंह को जेल में बंद करने को आतुर है। एक बार वो ले गई थी तो कोर्ट की तरफ से रिहाई मिल गई थी, तो दोबारा से भी फिर से डिटेंशन किया जा रहा है टी राजा सिंह का। और BJP ने उनको निलंबित कर दिया है, जैसे कि उन्होंने BJP ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निलंबित किया था। तो ये क्या बार बार हो रहा है और क्या बस हिंदुओं की ही गलती है ये कि हमने कुछ बात कही, नुपुर शर्मा ने कुछ बात कही, टी राजा सिंह ने कुछ बात कही, तो इसीलिए हम डिजर्व करते हैं कि हमें मार दिया जाए, हमारे घरों को जला दिया जाए, हमारे परिवार को क्षति पहुंचाई जाए। और इनफैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर केस सुनता है तो उस समय जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस JB पारदीवाला ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण देश का माहौल ख़राब हुआ है, जिनके वजह से बाकी बहुत ज़्यादा अपरोड भी हुआ था कि जस्टिस अपने दायरे से बाहर से बात कर रहे हैं, उनको ये बातें शोभा नहीं देती। और कई लोगों ने कहा था कि ये उनको बात वापस लेनी चाहिए थी, लेकिन जो फाइनल जो भी जजमेंट आया था उसमें वो स्टेटमेंट शामिल नहीं था। तो ये एक बात है कि क्या हिंदुओं को ही ब्लेम किया जा रहा बार बार। 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उस पर भी अगर आप देखें तो उस समय बहुत लोगों ने कहा था कि ये RSS की साजिश है। इनफैक्ट बुक भी निकला था, सेमिनार भी किए थे। मालेगांव अटैक में भी साध्वी प्रज्ञा को 8 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी ट्रायल, कोई वर्डिक्ट नहीं, सिंपली वो जेल में बंद थी विदाउट एनी ट्रायल। बाद में कोई सबूत ना मिलने के कारण उनको रिहा कर दिया गया। और इसी तरह और भी बाकी जगहों को देखते हैं कि RSS को कभी तालिबान से कंपेयर कर दिया जाता है, कभी हिंदुओं को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गया है। तो ये क्या सही में हमारी गलती है? अगर ये हमारी गलती है, ये हिंदुओं की गलती है, तो फिर कश्मीर में कश्मीरी हिंदू को जो उनका जनसंहार हुआ था वो किस गलती के वजह से हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था? क्या वो अच्छा, अगर उसको कहें कि वो मिलिटेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर टेररिज्म है, तो फिर वेस्ट बंगाल में जो हुआ हो रहा है उसको क्या कहेंगे? चलिए वो भी एक राजनयिक हिंसा है, पॉलिटिकल इलेक्टोरल हिंसा है जिसको चुनावी हिंसा कहते हैं, वो हो रहा है, तो केरला में भी जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? या राजस्थान में, UP में, कर्नाटका में, हर जगह इस तरह की बातें हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पूरा कंपाइलेशन है, अगर आपको याद हो तो ये 5 इंडियन स्टेट मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। रामनवमी, इस्लामिस्ट अनलीज मेहम इन 5 इंडियन स्टेट्स, स्टॉप हिंदू प्रोसेशन, इंगेज इन स्टोन पेल्टिंग, आर्सन एंड वायलेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों में इस तरह की कई घटनाएं हुए हैं, जिसमें 16 इंजर्ड, 3 क्रिटिकल इन अटैक ऑन रामनवमी प्रोसेशन इन झारखंड, उसके बाद 2 इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग आर्सन इन मध्य प्रदेश, उसके बाद रामनवमी प्रोसेशन अटैक्ड इन वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात विटनेस्ड स्टोन पेल्टिंग इन हिम्मतनगर एंड खंबत, उसके बाद इस्लामिस्ट लेफ्टिस्ट टारगेट हिंदूज इन कर्नाटका, पुट अप ए सो लेटर टू व्हाट वाज द क्राइम। तो आप देख सकते हैं अटैक ऑन हिंदू इन करौली इन राजस्थान। आप देख सकते हैं कि हर तरफ ये इसमें किसका ये है कि
हिंदू जब अपने उत्सव को सेलिब्रेट भी करें तो उन पे पथराव किया जाता है, आगजनी की जाती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। इसमें किसकी गलती है, इसमें हिंदुओं ने ऐसा क्या किया है कि वो, अगर आप देखें कि वो आप कहते हैं कि प्रोसेशन वहाँ से जा रहे हैं, तो कभी मुहर्रम का अगर आप प्रोसेशन देखा होगा तो वो कई जगहों से जाता है, कभी उन पे स्टोन पेल्टिंग की बातें आपको देखने को नहीं मिलती है, कहीं उस पे दंगे होने की बातें नहीं देखने को मिलती है। तो बस ये एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा फिर भी कहा जाता है कि ये हिंदुओं की ही गलती है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो जो दिल्ली का शाहीन बाग वाला जो एक प्रोटेस्ट चला था काफ़ी दिनों से, वो प्रोटेस्ट बिना किसी कारण के किया गया था, क्योंकि उनका कहना था एनआरसी और सीएए है उनको वापस लिया जाए। सीएए सिंपली ये था कि जो बाहर से जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी जैसे पड़ोसी देश में, चाहे वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनफैक्ट श्रीलंका, अभी पाकिस्तान, म्यांमार, इस जगहों पे उनके साथ उत्पीड़न हो रहा, तो वो भारत में आके भारत की नागरिकता उनको मिल सकती है। तो ये सीएए था, और एनआरसी था वो एक तरह से जो भारत में भारतीय हैं उनको एक अलग, मतलब जो भारतीय नहीं है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स में भारत में रह रहे हैं, जैसे बहुत सारे बांग्लादेशी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भारत में रह रहे हैं, आसाम में जैसे रोहिंग्या है, उनको भारत से हटा दिया जाएगा, वो एनआरसी था। तो इसमें भी एक जो वो खास समुदाय है उसके तरफ से बहुत बवाल काटा गया था, और फिर दिल्ली में दंगे भी हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी एक समुदाय ने ही किया था। अब बताएं कि वहाँ पे क्या हिंदुओं की गलती थी, किस वजह से? एनआरसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उनको आहत कर सके, उनकी धार्मिक भावनाओं पे जो ये तुरंत आहित हो जा उनको क्षति पहुंचती है, बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है। हर जगह पूरे दुनिया में इस तरह की इंसिडेंट्स देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी। तो दिल्ली में जो ये एनआरसी या सीएए पे क्या हुआ, क्या उसमें कारण थे, वो कोई बताने वाला नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में इस्लामाइजेशन का जो एक प्रोसेस, जो एक अधूरा रह गया था गजवाए हिंद वाला, वो अभी भी उस पर अमल किया जा रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा नहीं, भारत में भी कुछ ऐसे जो है लोग, वो अपने आप को समझते हैं कि ये उनका एक ड्यूटी है उनकी, जो इसको आगे बढ़ाया जाए। और इस पर भी जो है पूरा नुपुर शर्मा के साथ पूरे विश्व में भी एक नैरेटिव बनाया गया है जिसपे भारत को या हिंदुओं को ब्लेम किया गया है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो सुरक्षित नहीं है, जबकि कन्हैया लाल को मार दिया गया क्योंकि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में थे, उमेश कोहले को मार दिया गया क्योंकि वो भी नुपुर शर्मा के समर्थन में थे, या फिर जो प्रवीण नटारे हैं कर्नाटका में, वो बीजेपी के वर्कर थे, उनको भी मार दिया गया था क्योंकि वो उनका जो भी है उनको भी मारने वाले यही शांति प्रिय लोग हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो कि वो बहुत जगहों पे साधुओं को पालघर में मारा गया, वो तो कोई और ही उसका ये था, उनका वीडियो बनाया गया था, और बहुत साधुओं को उनके, मतलब जो प्रीस्ट हैं, जो पंडित हैं, उनको मंदिर के अंदर में घुस के मारा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। तो ये देखने को हर जगह मिल रहा है कि हिंदुओं पर बहुत सारे जगह इस तरह के मामला देखने को मिल रहा है, और ये भी है कि घरों से उनको निकाला जा रहा है, जहाँ पे वो संख्या में कम है उनके घर छोड़ने को कहा जा रहा है। तो क्या ये सही में इस्लामाइजेशन की तरफ से जा रहा है, और बीजेपी इसमें क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, तो सैफ्रॉन जो उनका कलर देखा जाता है कमल के साथ, तो उसमें मुझे नहीं पता कि उनको क्या डर है या क्यों अपीज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपीजमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं इन सब बातों में। मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे फॉर्मर माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनके तरफ से ये बयान किया गया था कि बीजेपी ने कितनी ज़्यादा मुस्लिमों के लिए ये किया है, लेकिन बीजेपी को मुस्लिमों की तरफ से मिनिमम से मिनिमम, अगर कहें मैं एक मतलब लिबरल फिगर अगर दूँ, एक बहुत ही मतलब एस्टिमेटेड फिगर दूं, तो भी बहुत कम वोट
एक जो ये शांतिपूर्व शांति प्रिय समुदाय उनके तरफ से मिलते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उनको खुश करने के लिए लगी रहती है, पता नहीं क्यों। कश्मीर में भी आप देख सकते हैं वही चल रहा है वहाँ पे भी। और उसके बाद कश्मीर में 370 हटने के बाद बहुत सारे ये हुए थे वहाँ पे, अभी भी कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है। हर सप्ताह हर महीने आपको न्यूज़ मिलती है कि किसी ने किसी कश्मीरी हिंदू को मार दिया गया वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें किसकी गलती है, इसमें क्या ये है। और जैसे मैंने बताया कि जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके तरफ से भी बस हिंदुओं को ही कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत और भी मामले हैं जिन पे वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। और जो केसेस होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक राज्य से एक दूसरे राज्य में पक्ष के कहने पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है इस पे अगर आप कंपेयर करें कि हिंदुओं को कितना ब्लेम किया जा रहा है और दूसरे पक्ष को कितना ये विक्टिम कार्ड दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हिंदुओं को एक दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीटमेंट मिल रही है। और हिंदू समाज में भी अगर मतलब ये देखें कि हमारे देश में एक संविधान है, संविधान के मुताबिक सारे नागरिक एक समान है, लेकिन फिर भी हिंदू समाज के लिए एक अलग लॉ है और जो ये शांति प्रिय समुदाय है उसके लिए अलग लॉ है, उनके मुताबिक लॉ है। अगर आप ट्रिपल तलाक की अगर बात देख ले तो पूरे दुनिया में मात्र 2-3 ही इस्लामिक देश हैं जहाँ पर ट्रिपल तलाक अभी भी लागू है, और भारत में भी वो लागू था। उसके और भी ये संस्करण है जो अभी भी लागू है, और उसके ऊपर भी बहुत एतराज़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो एक संस्करण है उसको इलीगल कर दिया है, उस पर भी बहुत एतराज़ था। कर्नाटका में जो पूरा हिजाब जो रो फैला था वो भी यही था कि हम स्कूल ड्रेस नहीं पहन के जो मैंडेटरी है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ना पहन के हम अपने मुताबिक जैसा भी होगा वो ड्रेस पहनेंगे। और उसके कारण भी वहाँ के कर्नाटका कोर्ट ने जब बोला कि नहीं स्कूल ड्रेस या कॉलेज ड्रेस मैंडेटरी है, तो कर्नाटका के जजेस पर भी बहुत सारे लोगों ने थ्रेट देना भेजना शुरू कर दिया था। तो यही चल रहा है अभी भारत में। इसका मूल कारण ये है कि भारत के हिंदू जो हैं वो अपने जो अगर अधिकार हैं, अपने हित की बातें हैं, अपने बारे में बातें हैं, वो भूल के एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं जिनके तहत उनको ये लगता है कि जितनी भी गलतियाँ हैं वो हिंदुओं की ही गलतियाँ हैं और जितने भी कमियाँ हैं वो भी हिंदुओं की ही कमी है। हमारा इतिहास उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा मेरिटिकुलस नहीं है, जबकि हम देखें अगर सही इतिहास देखें तो भारत को सोने की चिड़ियाँ इसी हिंदू सभ्यता में मिली थी। और ये भी कहा जाता एक ब्लेम एक एग्जांपल दूँ अगर तो एक जो कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट जो कलिंगा के बाद बुद्धिज्म में वो हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे और फिर उसके बाद वो शांत हो गए थे कलिंगा की युद्ध के बाद, उन्होंने फिर कोई युद्ध नहीं किया था, तो ऐसी बात नहीं है। उनका भी एक जो बात है कि वो बाद में कन्वर्ट नहीं हुए थे, कलिंगा के पहले ही उन्होंने कन्वर्जन कर ली थी क्योंकि उनको पॉलिटिकल एज चाहिए थी, उनके राइवल्स जो भी थे उनके अपने भाई भी थे उनके अगेंस्ट एज चाहिए थी। तो यहाँ पे एक मैं आपके सामने आर्टिकल रखूँगा, ये है संजीव सान्याल जी का जो कि एक हिस्टोरियन भी है, साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इनकी एक पोजीशन है इकोनॉमिक एडवाइज़र के तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सही इतिहास स्वराज मैगजीन में अशोका द नॉट सो ग्रेट संजीव सान्याल, इसमें उन्होंने पूरी तरह से ये बात को डिसाइफर कर दिया है कि वो कलिंगा के बाद नहीं कलिंगा से पहले ही उन्होंने कन्वर्जन कर ली थी। मैं इसका भी लिंक आपके सामने मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक आई मतलब एक्सपोजिंग अगर कहें तो वो हिस्ट्री है। तो यही बात है कि इस तरह की हिस्ट्रीज हमें पढ़ाई गई है जिसके तहत हिंदुओं को दबा के रखा गया या उनको नीचे करके रखा गया है कि उनकी अपनी जो भी मेंटालिटी है वो कभी पॉजिटिव अपने सिविलाइजेशन अपने सभ्यता अपने ट्रेडिशन अपने रिचुअल्स के बारे में ना रहे।
और सेक्युलरिज्म का हम पे जो इस तरह का थोपा गया है कि हम सेक्युलर भी रहे, नॉन वायलेंट भी रहे, ठीक है नॉन वायलेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तब आपको अगेंस्ट देना ही पड़ता है एज ए रिटेलिएशन। जैसे पाकिस्तान के साथ हम नॉन वायलेंस की अगर पॉलिसी लाए तो हम बार बार हमारे लोग मरते रहेंगे और पाकिस्तान को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उड़ी हुआ था, उसके बाद पठानकोट हुआ था, सॉरी पठानकोट और पुलवामा हुआ था, उन दोनों के बाद जब से पनिशमेंट की गई है पाकिस्तान की तो उस तरह के अटैक्स भारत में देखने को नहीं मिले हैं। पूरे भारत में भी जितने भी बम ब्लास्ट पहले हुआ करते थे उस तरह का अभी कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कभी कभी रिटेलिएशन ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे लोग जो हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, अगर आप बस नॉन वायलेंट हो तो बाकी लोग नॉन वायलेंट होंगे, ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। और ये गांधी की जो एक सोच थी वो हिंदुओं पे लागू नहीं होती है, क्योंकि हमारा भी एक पूरा सिस्टम है। जैसे आपने देखा कि महाभारत के समय भी कृष्ण के सामने अर्जुन बहुत ज़्यादा ये थे, बहुत दुखी थे कि उनको अपने भाई के साथ लड़ना पड़ रहा, अपने फैमिली के साथ सामने लड़ना पड़ रहा, तो तभी कृष्णा ने उनको गीता सार दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि धर्म के लिए आपको लड़ना जरूरी है। तो वही बात आपको यहाँ पे अपने धर्म के लिए आपको भी जागरूक रहना जरूरी है, आपको अपने जो भी सिविलाइजेशनल अवेयरनेस है वो लानी जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे हम ख़त्म हो जाएंगे। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पूरे विश्व में, हिंदुओं की तरह सभ्यता अभी कोई नहीं है। जो भी पुराने सभ्यता थे, जो पॉलीथिस्ट थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। अभी मोनोथिस्ट का ही राज पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है मेजॉरिटी में। तो इसीलिए एक हिंदू सभ्यता है जो पूरी तरह से यूनिक है, अभी भी यूनिक है, और हम नेचुरल जो कहें नेचर वर्शिपिंग लोग हैं, हम नेचर को फॉलो करते हैं, कोई एक खास किताब को नहीं या एक खास इंसान को नहीं। तो ये भी एक बहुत यूनिक सी बात है हमारे लिए। और साथ में अगर इतिहास में जाए तो हमें गोल्डन बर्ड कहा जाता था, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसके कारण भारत पे कई इन्वेडर्स यहाँ पे आए ऑक्यूपाई करने के लिए, यहाँ पे खजाने भरे हुआ करते थे, यहाँ प्रोस्पेरिटी थी, साथ में साइंटिफिक एडवांसमेंट थी, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, मेडिकल साइंस में जैसे सर्जरी हो, सुश्रुत जी या चरक जो थे उनके तरफ से आयुर्वेदा का, उसके बाद यहाँ पे जो माधव थे उनकी तरफ से कैलकुलस, यहाँ यहीं पे अलजेब्रा भी हुआ था जिसको बाद में एक अरब का जो एक जबर था जिनके नाम पे अलजेब्रा को कहा जाता है कि उन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन जो जबर थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको अल हिंद कहा जाता है, उनमें उन्होंने कहा था कि वो अलजेब्रा भारत से इंस्पायर होके उन्होंने किताब लिखी थी, भारत से पढ़ के जो भारत के ज्ञान है उनसे पढ़ के उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो इस तरह की बहुत सारी महान चीज़ें हैं। फिर हमारे महान वॉरियर्स जैसे महाराणा प्रताप हैं, जैसे शिवाजी हैं, जैसे विजयनगर के कृष्ण देव राय हैं, विजयनगर एक बहुत बड़ा बहुत प्रॉस्पेरस एम्पायर हुआ करता था, उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके जो एडवाइज़र हुआ करते थे चाणक्य, वो बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे अपने समय के। तो हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके तहत हम अगर अपने आप को देखना चाहे एक पॉजिटिव व्यू में तो हम देख सकते हैं। और जहाँ तक विकृतियाँ हैं तो पूरे दुनिया में कोई ऐसा समाज, कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें विकृतियाँ नहीं है। तो हम बाकी सारे विकृतियों को भूल के बस अपनी विकृतियों पे ही उंगली करते रहे, जबकि हमने रिफॉर्म्स किए, हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं उस बारे में, और इसीलिए हमें उस विकृतियों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार ऑब्सेसिवली उस पर ही क्रिटिसाइज करें, बाकी सारी चीज़ें भूल जाए तो वो भी गलत होगा। तो एक पॉजिटिव बातें हमें साथ में हमें बीजेपी से भी कहना होगा, या फिर इस तरह की कोई और पार्टी अगर आती है जो हिंदू हितों के बारे में बात करे तो हम उसके लिए भी हमें डिमांड करनी होगी, हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके अगर आप अपनी वैल्यू ना करें तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करती है।
तो ये आज का मेरा मैसेज है आपके लिए, और ये कुछ ओपिनियंस है जो मैं अपने बहुत दिनों से अपने पास रखा था, जो आपके सामने आज रख रहा हूँ। आपको मेरी बातें कैसी लगी ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना स्प्रेड करें फेसबुक पे, ट्विटर पे या कई और सोशल मीडियाज पे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।